सो आज कुछ बचपन की यादें, छोटी सी पांव लिए इस पतंग के पीछे ही भाया करते थे, सुबह हो या शाम। हाथों में मांझे की डोर लिए इस पतंग को ही आसमान में उड़ाया करते थे। बारिश का मौसम आने पर हाथों में कागज की नाव लिए पानी में चलाया करते थे। हेलीकॉप्टर को देखकर हम भी कागज की हेलीकॉप्टर बनाकर दोस्तों के साथ उड़ाया करते थे। आम, जामुन या अमदूर का सीजन आए, दोस्तों के साथ मिलकर दूसरों के बगीचे से चुरा कर ही खाया करते थे। स्कूल जाने पर हम और हमारे दोस्तों का टिफिन ही मिलकर एक साथ खाया करते थे। संडे आने पर मानो पिंजरे से छोड़ दी गई उस पक्षी की तरह खुशी मनाते थे। साइकिल के चक्कों को ही गाड़ी समझकर चलाया करते थे। बारिश होने पर घर से भाग जाकर दोस्तों के साथ नहाया करते थे। पापा के साइकिल लेकर दोस्तों के साथ सीखने निकल जाया करते थे। बचपन में मानो सुबह होते ही हमारी आवाज जो घर भर में गूंजने लगती है। अगर हमें भूख लग जाए ना, तो ब्रश किए होंगे या ना किए होंगे, खाने लगते हैं। नट्टू का सीजन हो या गोली या गुल्ली डंडा का सीजन, हमेशा हाथ में ही लिया करते थे खेलने के लिए। जब मन करे दोस्तों के साथ खेलने निकल जाया करते थे। छोटी सी पाँव में शैतानियां बहुत थी। रास्ते पे दौड़ते दौड़ते कई बार हमें ठोकर लगा करते थे, फिर भी ये पाँव रुकते नहीं थे। कहानियों में खो जाया करते थे, चाहे वह भूत की कहानी हो या राजाओं की कहानी। हमेशा मम्मी हो या दादी हो सुनाने को कहा करते थे। त्योहार आने पर मानो जिंदगी भर की खुशियां मिल गई हो, ऐसे नाचे और झूमा करते थे। और दोस्तों के साथ हर त्योहार में घूमने जाया करते थे। बचपन में पक्षी बनकर भी आसमान में उड़ने की शौक रखा करते थे। अभी शेर बनकर भी एक डर सा लगा रहता है कि जिंदगी में कुछ कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। बचपन की यादें एक खूबसूरत सी लम्हे की तरह होती है, जिसे याद करने से चेहरे पे खुशी ही खुशी महसूस हुआ करता है। मम्मी पापा जब कपड़े लाकर दिया करता था हमें, तो पॉकेट जितना हुआ करता था, पैंट हो या कमीज हो, उतना ज्यादा खुश हो जाया करते थे। कभी कभी गुस्सा में मम्मी मारा भी करती थी और कभी डांट भी दिया करती थी। गुस्सा में फिर हम खाना नहीं खाया करते थे, फिर भी जब भूख लगते थे ना, तो मम्मी से ही जाके खाना मांग के खाया करते थे। दोस्तों के साथ कई बार हमारे दोस्तों के बीच लड़ाई भी हो जाया करता था, फिर भी बात करना बंद नहीं करते थे, फिर से दोस्ती होकर बात करना शुरू कर दिया करते थे। क्रिकेट का सीजन आए या फुटबॉल का सीजन आए, हर वक्त ग्राउंड में ही दिखा करते थे दोस्तों के साथ। दोस्तों, यह स्टोरी आप लोग को अच्छा लगे होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बचपन की यादें।